डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है। और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ के नामचिन शारदा एक्सपोर्ट के मालिक जितेंद्र गुप्ता के साकेत स्थित आवास समेत अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापामारी की है। शारदा एक्सपोर्ट से देश भर में कालीन सप्लाई होती है। टीम सबसे पहले कंपनी के मालिक जितेंद्र गुप्ता के साकेत स्थित आवास पर पहुंची। घर के बाद एक टीम परतापुर रेठानी में उनके कारपेट फैक्ट्री में भी पहुंची। इसके साथ ही एक टीम रेलवे रोड बर्फखाने में जितेंद्र गुप्ता की आइस फैक्ट्री और कोल्ड स्टोर में भी रेड डालने पहुंची है। टीम की सभी गाड़ियां और ऑफिसर अंदर ही हैं। अंदर टीम दस्तावेज खंगाल रही है। विशेष बात यह भी है कि जितेंद्र गुप्ता 2014 में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में 9 रत्नों में शामिल रहे हैं। जितेंद्र CM योगी आदित्यनाथ ने इन्हें 2 अक्टूबर 2019 में स्वच्छता ही सेवा सम्मान के लिए लखनऊ में सम्मानित किया था। छापेमारी की इस कार्रवाई के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। सभी प्रतिष्ठानों को पूर्णतः सील कर दिया गया है। बाहर पुलिस बल तैनात है। इस अपडेट पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।